हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज के वीडियो लेक्चर में हमने पिछले वीडियो जहां पर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ये दिया था कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने किया होगा, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया। तो देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका मतलब आपसे हुआ नहीं, तो मैं करता हूं इसको सॉल्व। तो हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में करता है वही हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें फर्स्ट फिगर को देखना है और फॉर्मूला ढूंढना है, उसके बाद सेकंड में जाना है, उसमें क्या करना है उसको चेक करना है, वो फॉर्मूला इसमें बैठ रहा नहीं है। फिर दोनों बैठ गए तो इसमें क्या तीसरे में बैठा के हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाके सारे लिंक मिल जाएंगे और वहां जाके पूरे वीडियो को एक बार जरूर देख ले। हम छोटे छोटे वीडियो में हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए, तो बहुत ही शानदार वीडियो है, आप एक बार उनको जरूर जाके देखें, है ना। तो हम करते हैं चलो स्टार्ट। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, हमें बनाना है बीच में 131 बनाना है, 131 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या सोचेंगे, हम अपने माइंड में सोचेंगे। तो देखो क्या सोचा हमने, इनका डिफरेंस लिया 234 और 165 का डिफरेंस लिया, तो कितना आया देखो, हमारा फर्स्ट अक्षर ही नहीं मिल रहा, 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, लेकिन नहीं हो रहा, इस तरह से डिफरेंस नहीं हो रहा है इनका। तो हम कुछ और सोचेंगे, तो हमें बनाना है एक, कि एक किस तरह से आए। हम सोचेंगे कि 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3, जो कि है ना बीच में आ रहा है बिल्कुल। और हम इधर करेंगे जैसे 5 में के 2 गए तो 3, ये भी बैठ रहा है बीच में, 3 इधर से बन रहा है अब, लेकिन 3 तो बन रहा है लेकिन हमें एक एक चाहिए दोनों साइड में। तो देखो 4 में से 1 गए तो 3 इधर भी बन रहा है, 3 तो 3 तो हर जगह से बन रहा है, लेकिन जो असली जो घपला है वो किस में, एक बनाने में है। तो एक किस तरह से बनाया, देखो एक बनाएंगे हम, तो हम ऐसे करते हैं 2 में से 1 गए तो क्या किया, 1 आ गया, और इधर 6 में से 3 गए तो 3 आ गया, और इधर 5 में से 4 गए तो 1 आ गया, बैठ गया बिल्कुल। मतलब 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, और 6 माइनस 3 किया तो 3 आ गया, और 5 माइनस 4 किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से क्या बन गया मेरे पास, 131 बन गया, और ये रख दिया इसको बीच में, है ना, 131 इस तरह से बनाए। अब ऐसे ही सेम इसमें किया था, हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था, अब इसमें क्या करेंगे, अब उसको फटाक से क्या करेंगे, इसमें हम चेक कर लेंगे कि देखो इनका डिफरेंस लिया इन दोनों वालों का तो वो फर्स्ट वाला अक्षर बन रहा है, ये तो बन रहा था, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो फर्स्ट वाला, और इनका हमने सामने वालों का लिया तो बीच वाला अक्षर बन रहा था, और फिर इधर लास्ट वालों का लिया तो लास्ट वाला अक्षर बन रहा था। तो देखो 4 में से 2 गए तो 2 वाला ये बन गया, है ना। अब इधर स्ट्रेट वालों का लिया हमने डिफरेंस तो 6 में से 2 गए तो 4 ये बन रहा है ना, और इधर 8 में से 0 गए तो ये बन रहा, बिल्कुल बैठ गया, इसमें भी बैठ गया। तो इसमें बैठ गया तो हम क्या करेंगे, तीसरे में इसको अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो इधर क्या आएगा, 7 और 5 का डिफरेंस किया तो 2, है ना, और 9 और 3 का डिफरेंस किया तो 6, और इधर 3 और 1 का डिफरेंस किया तो कितना आया, 2। तो इसका 262 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे बुक वगैरह में अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो। अब रीजनिंग का मतलब ही क्या है हमारे पास, तर्क शक्ति, तर्क संगति। तो देखो आपका माइंड जितना है ना फास्ट होगा उतना ही आप क्वेश्चनों को फास्ट करोगे, हल करोगे। तो अब देखो अगले क्वेश्चन में देखो किस तरह से आप सोचोगे, तो सबसे पहले तो वही करूंगा मैं, डिफरेंस लूंगा सीधा सा, मतलब ये है। ऐसे क्वेश्चन देखने पर आप ये सोचे कि हमें एक बार डिफरेंस लेके देखे, तो मैंने भी क्या किया, डिफरेंस लिया तो ये देखो क्या बना, तो यहां से लिया 1, 11 में 6 गए तो 5, और इधर 8 में 3 गए तो 5, तो बिल्कुल बन गया बीच में आ गया, है ना, बीच का ही। और इधर भी लेंगे डिफरेंस तो 543, सॉरी बड़ी वाली संख्या को हम ऊपर रखेंगे, डिफरेंस ले रहे हैं ना, 789 और 543, तो 6, 4 और ये 246 आ गया, बीच का आंसर आ गया। अब हम इतना फास्ट करना है कि आपके माइंड को तुरंत, ये तो मैं बोर्ड पर हल कर रहा हूँ, आपको माइंड में ही सॉल्व करना है। रीजनिंग का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को 30 सेकंड देना है, इससे ज्यादा नहीं देने का, है ना। तो देखो 843 में से 261 करेंगे तो इसको घटाओ, 3 में 1 गए तो 2, 4 में 3 में के 1 गए तो 2, 14 में 6 गए तो 8, और इधर 6 रह गए, 7 रह गए, 9 गए 5, तो कितना आ गए, 582 आंसर आ गए। अब यहां पर कितना आंसर आ जाएगा इसका, 582 आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अगर इससे छोटी मोटी मिस्टेक हो जोड़ घटाने में तो वह आप देख लीजिए, है ना, अगर हो भी सकती है, देखो गलतियां इंसान से होती है। तो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन को अब देखो आप, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, मैं बोल रहा हूं ना इसको एक अलग से आप अपने माइंड में एक फोल्डर बना लीजिए और इस क्वेश्चन को उसमें डाल दीजिए, यहां से पेस्ट कॉपी कीजिए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए इसको, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है बताइए मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप सोचो इसमें किस तरह से सोचोगे। तो देखो सोचो आप,
तो आप सोचोगे कि हमें 8 लाना है बीच में, तो इस तरह से कैसे लाए हम? देखो इनका अगर आप डिफरेंस करोगे तो कम होगी ना, 254 और 212 का डिफरेंस तो हो नहीं सकता, हम प्लस करते हैं तो 6, 6, 4 कितना आ रहा है 466 और 584 के बीच में, तो इस तरह से नहीं बन रहा। तो आपको सोचना कुछ और है। अब देखो हमने इधर क्या किया था, डिफरेंस लिया था सिंगल सिंगल, अब हम गुणा करके देखते हैं। इधर देखा हमारे इस क्वेश्चन में, तो मैंने किया 2 × 4 ये रहा 8 आ गया, 2 × 4 8 है ना। मैंने क्या किया कि ये तिरछे मल्टीप्लाई किया, वो बीच में आ रहा है ना। और अब इधर वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना 2 × 2 तो उधर वो पीछे वाले आ रहा है, पीछे को आ रहा है, आ गया 4 है ना। और जो आमने सामने स्ट्रेट वाले सीधे वाले तो 5 × 5 वो फर्स्ट में आ रहा है और ओके आ रहा है। अब यही कंसेप्ट इसमें लगाना है, हमें कंसेप्ट इसमें लगाया कि हम जो इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो बीच में आना चाहिए, 3 × 3 वो 9 ये रहा आ रहा है बीच में। और जो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इधर, जो पीछे आना चाहिए 2 × 2 ये रहा 4, क्योंकि इसमें भी देखो 2 × 2 पीछे आ रहा था और जो बचा हमारे सामने वाला मल्टीप्लाई था वो फर्स्ट में आ रहा था, तो 3 × 2 = 6 जो कि ये रहा आ रहा है बिल्कुल। मतलब कि ये भी सही बैठ रहा है फॉर्मूला और इसमें भी सही बैठ रहा है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें क्या किया कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बीच में रखना है, तो देखो 1 × 7 तो 7 है ना, और उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लास्ट में रखना है, तो 4 × 2 = 8 और उसके बाद में जो ये सामने वाला बचा 6 × 6 उसको फर्स्ट में रखना है, तो कितना आया मेरे पास 678। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आपको नंबर दिलाने वाला। ओके फ्रेंड्स, आया होगा समझ में। अब देखो हमारे पास एक नई टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब यही बड़े मोस्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स वाले, आव्यूह वाले, तो इनको आपको सॉल्व करना है। तो अगला टाइप हमारा यही होगा, आपको इनका आंसर करके बताना है। हल्का सा मैं हिंट देते रहता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो देखो हमें एक साइड में किधर भी बड़ी संख्या मिलेगी इस तरह क्वेश्चन में, देखो इधर बड़ी ही मिल रही है ये नीचे एक साइड में, इसमें भी देखो नीचे एक साइड में बड़ी मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, क्या इन सबको देखो किस तरह से 120 आएगा मेरे। मैंने बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने है तो क्या करते हैं हम, या तो जोड़ करते हैं या उनका स्क्वायर करते हैं या फिर गुणा करते हैं। तो देखो जोड़ो इनको, 6 + 5 = 11, 11 + 4 = 15, तो 15 फिर इस तरह से नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया इनको स्क्वायर करेंगे तो 36 + 25 + 16 तब भी नहीं आएगा, आई थिंक 120 नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया इनका मल्टीप्लाई किया तो 6 × 5 = 30 और 30 × 4 तो आ गया 120 है ना, आ गया 120। अब इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया तो देखो 7 × 6 = 42 है ना, और 42 × 3 किया तो कितना आया 126 आ गए मेरे पास है ना। तो इधर क्या करूंगा, इधर मुझे 320 बनाना है, तो देखो 8 × 5 = 40 ये तो कितना आ गया 40। अब 40 में कितना करें कि 320 बन जाए, तो देखो 8 से गुणा कर देंगे तो 8 × 32 कितना बन जाएगा 320, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसमें पैटर्न ढूंढना है आपको क्या है वो, और कमेंट करके जरूर बताना है। तो अरे फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा हर एक मेथड की किस तरह से, बिल्कुल नॉर्मली कंसेप्ट है। तो रीजनिंग इस तरह से आसान हो जाती है अगर हम आप हमारे डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर पढ़ते हैं तो। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक वीडियो में इस तरह का कंटेंट बता रहे हैं आपको कि किसी ने नहीं बताया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर रीजनिंग।